गाइज मैं लेके आया हूँ आज एक नया वीडियो आफ्टर वर्कआउट कूल डाउन एंड रिलैक्सिंग एक्सरसाइज। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि वर्कआउट के बाद आपकी बॉडी रिलैक्स कैसे होती है या कैसे करते हैं, तो उसके लिए मैं आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ जो कि रिलैक्सिंग एक्सरसाइज कूल डाउन एक्सरसाइज है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो गाइज आपको पहले स्टैंड पोजिशन में आना है, इसके बाद आपको स्ट्रेच करना है आपकी थाइस, काफ मसल्स और एंकल। तो इस वजह से आपको स्टैंड पोजिशन में आने के बाद आपको टो पे वेट लेना है। ऐसा टो पे वेट लीजिएगा, इसके बाद आपको हैंड्स उठाने हैं ऊपर और हैंड से भी स्ट्रेच करना है। इसको होल्ड करके रखना है काफ़ी देर तक। अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जिसको कहते हैं क्वाड स्ट्रेच। तो आपको पैर उठाना है और पीछे करना है, उसके बाद आपको स्ट्रेच करना है, इसको होल्ड करके रखना है काफ़ी देर तक। इससे ये वाला पोर्शन है जो स्ट्रेच होगा। आपको फिर लेग चेंज करना है, दोनों लेग से ये वाली एक्सरसाइज करनी है। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जो कि है हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। तो आपको ऐसा पैर रखना है किसी भी ऊंचाई वाली जगह पे, इसके बाद आपको दोनों हाथों से होल्ड करना है और स्ट्रेच करना है। ये भी आपको काफ़ी देर तक करना है दोनों लेग से। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। गाइज अब आप किसी मैट का यूज़ कर सकते हैं। अब मैं बताने वाला हूँ आपको फिगर फोर स्ट्रेच। तो आपको दोनों पैर ऐसे रिलैक्स करके रखने हैं, उसके बाद आपको इस वाली पोजीशन में आना है और ये वाला हैंड उठाना है और इधर साइड में रखना है और पीछे देखना है। इसको भी होल्ड करके रखना है, दोनों लेग से करके रखना है ये वाली एक्सरसाइज भी। ये हो गया फिगर फोर स्ट्रेच। गाइज आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। अब आपको थोड़ा उठना है और इनको ऐसा नी पे आना है, उसके बाद आपको इस पर बैठना है और फिर धीरे धीरे पीछे डाउन होना है। इसको भी होल्ड करके रखना है। इसकी एक्सरसाइज यहीं फिनिश करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। और आपको एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। और जो भी इस चैनल पर नए हैं तो वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल और बेल आइकन को भी दबाएँ, क्योंकि आपको एक्सरसाइज से रिलेटेड नए नए वीडियोज़ आपको जल्द से जल्द मिल सकें।